नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, धोरण आठ की अंदर आप नौ पाठ सुधी अभ्यासक्रम जो चुके हैं। एम सातमो पाठ आप बाकी है जे आप आज जेनु नाम है सोच अपनी अपनी। सोच एट मतलब के विचार, दरेक व्यक्ति अलग अलग विचारों जेनो साहित्य प्रकार से वाद विवाद। कोई एक पक्ष में बोलतो हो तो कोई एना विपक्ष में बोलतु होने कहवाये वाद विवाद। एट के दरेक व्यक्ति कोईपण वस्तु आप मूकीशू तो एना विषय कोई आप मणस ने विचार करवा कहूँ कि आ वस्तु विषय विचार करिए तो बने मणस विचारों अमुक विचारों मलता होता है, बाकी अमुक विचारों तो एना जुदा जुदा हो। सोच अपनी अपनी दरेकना विचारों पोतपोता रीते जुदा हो। तो आप एज वस्तु जुए थे कि पसंदगी कपड़ा ने पसंदगी करो कि बीजी कोई वस्तु की पसंदगी करवा जाइए त्यारे पण आपणे जोईए छे कि दरेक मनुष्य की पसंदगी पण जुदी जुदी होय छे। तेवी ज रीते विचारों पण जुदा जुदा होय छे। तो के किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में तर्क वितर्क सहित अपने विचारों की अभिव्यक्ति ही वाद विवाद। शुं कह्युं छे? कोई पण विषयना पक्ष अने विपक्ष में तर्क वितर्क, तर्क एटले दलील, दलील करवी एज एक प्रकार वाद विवाद है। कोईपण विषय मूको हो एक बाजू के कोई व्यक्ति एना पक्ष में बोलत हो तो कोई एना विपक्ष में बोलत हो। जम के कोर्ट की अंदर कोई केस चालत हो तो वस्तु हो दलील थती हो कोई एना पक्ष में हो तो कोई एना विपक्ष में हो तो एने अपने शू कही वाद विवाद। वाद विवाद मौखिक भावा अभिव्यक्ति का अत्यंत प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण रूप है। शू कहे? वाद विवाद मौखिक भाव अभिव्यक्ति एक अत्यंत प्रभावशाली महत्वपूर्ण रूप है। वाद विवाद मौखिक लेखित नहीं थता एने बोली स्पष्ट करवा है। कोर्ट में जुए कि दलील बे वकील दलील करता हो कई रीते करता है मौखिक करता हो। वाद विवाद में कोई एक विषय निर्धारित कर लिया जाता है। वाद विवाद करने कोई एक विषय नक्की कर सारा और खराब टॉपिक बोलवाना हो। कोई एना पक्ष में बोले तो कोई एना विपक्ष में बोले। कुछ विद्यार्थी उस विषय के पक्ष में तथा कुछ विपक्ष में अपने अपने तर्क इकट्ठे करके कार्यक्रम के दिन श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करते हैं कि कोई विषय मुकवामां आवे छे तो कोई विद्यार्थी एना पक्ष में तो कोई विद्यार्थी एना विपक्ष में बोली ने स्कूल नो जे कार्यक्रम नक्की कर्यो होय ए कार्यक्रम में श्रोताओं की सामे आ वस्तु प्रस्तुत करवामां आवे छे। एक वक्ता पक्ष में अपने विचार रखता है तो दूसरा वक्ता विपक्ष में। वक्ता मतलब के बोलना ने श्रोता मतलब के सांभळना। तो कि एक वक्ता होय छे पोताना पक्ष में विचार मूकतो होय छे त्यारे बीजो वक्ता होय छे एना विपक्ष में एटले के एना विरुद्ध में बोलतो होय छे। इस प्रकार वक्ताओं को अपनी बात की पुष्टि तथा विपक्षी को कथन के खंडन का अवसर मिले। एवी ज रीते वक्ता ने पोतानी बात मूकवानी पुष्टि मिले छे एटले के बात करवानी रजूआत मिले। अने बीजो होय छे जे विपक्षी एने वातनु खंडन करवा मिले छे एटले के एनो कारण बतावे छे कि आ बात योग्य नथी एवुं एनुं खंडन करवा मळे छे। एटले के दरेक व्यक्ति ने पोताना विचारो राखवानी एम के विचारो राखी सकवानी एक तर्क एम के एक शुं कहेवाय विचारो राखी सकवा एम के एमने मूके मळे छे कि पोताना विचारो रजू करी शके छे एने आपणे वाद विवाद कहीए छीए। कि कोई पण विषय पर पोताना विचारो रजू करवा एने आपणे वाद विवाद कहीए छीए। अने दरेक माणसनी सोच पोतानी रीते जुदी जुदी होय छे। तो आपणे जोईए कि नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, फिर उन पर आधारित प्रश्नों पर कक्षा में वाद विवाद करें। शू कहे? नीचे आपेला चित्रों ध्यान थी जोईए अने पछी एना उपर वाद विवाद करवानो छे। आपणे चालू अभ्यासक्रम में जोईए छे कि आज वाद विवाद नीचेना चित्रों विद्यार्थीओ जुए छे अने विद्यार्थीओ जे बंने बाजुना पक्ष में उभा थईने बोलता होय छे। पण आजे जोईए के बंने पक्ष में मारे बोलवानुं छे। तो के बंने चित्र छे, एक चित्र छे गामनुं अने एक चित्र छे शहरनुं। तो जोईए एमां नीचे त्रण प्रश्नो आपेला छे, एक बे अने त्रण। ए त्रणे प्रश्नो ए बंने चित्रना आधारे छे। तो जोईए पहेलो प्रश्न छे, दोनों चित्रों में क्या अंतर? बंने चित्रों नी अंदर अंतर शुं छे? तो एक गाँव का चित्र है और दूसरा शहर का चित्र। बीजु अंतर शू है कि गांव में पक्के कच्चे रस्ते हैं और शहर में पक्के सड़कें हैं। तीजू के गांव में छोटे छोटे मकान है और शहर में
बड़ी बड़ी इमारत। चौथों जो है कि गांव में बहुत सारे वृक्ष होते हैं, जारे शहर में वृक्ष कम होते हैं क्योंकि उसे काटकर बड़ी बड़ी इमारत बनाई गई होती है। गांव का वातावरण शुद्ध होता है और शहर का वातावरण अशुद्ध होता है क्योंकि गांव में बहुत ज़्यादा साधन नहीं होते, मोटी मोटी फैक्ट्रियों नहीं होती, जारे शहर में साधनों की सुविधा भी ज़्यादा होती है और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ पर होती है, इसलिए उसका धुआं से वातावरण बहुत बिगड़ जाता है, जेना कारण अपने जुए कि गाँव की अंदर वातावरण शुद्ध जवा मिले और शहर की अंदर वातावरण प्रदूषण वालू जुए। अपने बीजी वस्तु के गामनी अंदर लेकिन गाँव में स्कूल कॉलेज की सुविधा कम होती है जबकि शहर में स्कूल कॉलेज की सुविधा अच्छी होती है। पची बीजी वस्तु ये कि गामनी अंदर लेकिन गाँव में अस्पताल नहीं होते और जारे शहर में बड़ी बड़ी अस्पताल होती है और सुविधा भी ज़्यादा होती है। तो अपने जो है कि गाम ने शहर ना चित्र की अंदर घना बदा भेदभाव हो। तो हमें बीजो प्रश्न ये कहवा मांगे छे कि गाँव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है। अपने जो एना एक प्रश्न आला से कि गाँव और शहर ना जीवन में शू अंतर है। तो मैं कहूँ कि गाँव में छोटे छोटे मकान होते हैं जैसे शहर में बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं। बीजू के गांव में स्कूल कॉलेज की सुविधा कम होती है और शहर में स्कूल कॉलेज की सुविधा अच्छी होती है, लेकिन पढ़ने की सुविधा शहर में अच्छी होती है तो हम अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं शहर में रहकर, जबकि स्कूल गांव में हमें पूर्ति पढ़ाई की सुविधा नहीं मिलती तो हम अच्छी पढ़ाई गाँव में नहीं कर सकते। तीसरा कि गांव में कच्ची सड़कें होती है और शहर में पक्की सड़कें होती हैं। गांव में अस्पताल की सुविधा कम होती है और जब शहर में अस्पताल की सुविधा अच्छी और ज़्यादा होती है कि जरे अपने जुए थे कि गामडा में कोई व्यक्ति बीमार पड़े तो इन्हें तात्कालिक दवा घर ले जाता रस्ता में कहीं थी जाए, जरे शहर की अंदर अस्पताल की सुविधा एटली हो कि आप शहर में रहता हो शहर की अंदर रहिए त्यारे अपने नजीक थी झड़पी थी अपने साधन की सुविधा द्वारा अपने एक व्यक्ति ने हॉस्पिटल सुधी अपने पहुँचाड़ी सकी छे। तो ये अपने फायदो है। बीजी वस्तु के अपने गाँव में शिक्षण सारूँ मेलवी न सकिए तो सारी नौकरी धंधो पर अपने नहीं कर सकता, जैसे गाँव की अंदर सॉरी शहर की अंदर अपने सारूँ एवं शिक्षण पर प्राप्त कर सकी छे, सारो एवो नौकरी धंधो पर अपने मिली रहे। तीजी वस्तु है कि वातावरण। वातावरण एक वस्तु सारा में सारी ये है कि गाँव वातावरण शुद्ध हो जैसे शहर वातावरण अशुद्ध हो तो अपने रहवा माटे अपनी गाँव वातावरण शुद्ध है तो रही सकी, परंतु यम प्रश्न करे कि तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है क्यों। तो आप आम जुए कि गाँव वातावरण शुद्ध है आप रहवा अपना शरीर मेटे ये वातावरण शुद्ध है एट अपना अत्यार रहू सारूँ है, पर अमुक जो खास अत्यार आधुनिक युग प्रमाण जो सुविधा की जरूरत है गाँव में जवा मिलती नहीं, जम के पढ़ाई एट के शिक्षण की सुविधा अस्पताल की सुविधा साधनों की सुविधा आ बदी सुविधा तमने अपने गामडा में पूरती मिलती नहीं, आ बदी सुविधा अपने शहर की अंदर ज मिली रहे। तो अत्यार जीवन मुजब तो आप एम कही सकी कि शहरी जीवन रुचिकर है एट के गमे लोगों ने अत्यारे शहरी जीवन गमे तरह लोग गामडा संतान ने भणावा शहर में आने रहे दवाखाने पण गाम में पूरती सुविधा नहीं मिली रहती एट दवाखा थी दरेक लोग ने शहर की अंदर दवा माटे आवो पड़े। तो आम जोवा जाइए तो शहर जीवन रुचिकर है एट के अपना माटे योग्य है, पर शुद्ध हवा माटे कही सकिए तो ये गामडा जीवन अपना माटे योग्य है। क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है, यदि नहीं तो क्यों। शु तला पानी पीवा माटे योग्य है, जो नहीं तो शा क्योंकि तालाब हम ये कह सकते हैं कि तालाब का पानी पीने के योग्य नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि तालाब में सभी लोग कपड़े धोते हैं, बर्तन मांजते हैं,
सारी गंदगी करते हैं और इससे वही पानी घर में ले जाकर वह पीते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि गांव में पशु भी होते हैं और पशु को तालाब में लग जाते हैं पानी पीने के लिए, तालाब में नहाते हैं, तालाब में गंदगी करते हैं और वही पानी हम पीते हैं तो हम इनके ये गंदा पानी पीने से क्या होता है, हमारे शरीर में जाता है तो बहुत सारे रोग होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि तालाब का पानी पीने के योग्य नहीं है। तो आपने जोयू के बनने चित्र है, एक शहर नो छे और एक गांव नो छे, कि गांव नी अंदर वातावरण शुद्ध छे, वृक्षों छे, हरियाली छे, कोई पण प्रकार नी गंदगी नथी। तो ये बाबत आपने जोई सकीए छे कि गांव नुं वातावरण शुद्ध छे तो आपणा माटे शुद्ध हवा सारी छे। पण अमुक आपणे जे सुविधा जोईए छे कि भणवा माटे स्कूल कॉलेज नी सुविधा, दवा माटे थईने अस्पताल नी सुविधा, स्वच्छ पाणी नी सुविधा, साधनों की सुविधा, पक्का रस्ता की सुविधा, आज पची नौकरी धंधा माटे की सुविधा, कमाणी माटे की सुविधा, आ बधी सुविधा अपने कई जगह प्राप्त थाय तो ये मात्र अपने शहर माथी ज प्राप्त थाय छे। कि आपने शुद्ध हवा माटे गामडानुं जीवन ए आपणा माटे योग्य छे, पण अमुक सुविधा प्राप्त नथी थती माटे आपणा माटे शहरी जीवन पण जरूर छे। अने तालाबनुं पाणी तो पीवाने बिलकुल योग्य नथी, केम के आपणे अंदर कपडाँ धोईए छीए, वासण करीए छीए, बीजी गंदगी घणी करीए छीए, ए उपरांत आपणे पशुओने नवडावीए पण छीए, पशुओ पण पाणीनी अंदर गंदगी करे छे अने ए ज पाणी ज्यारे आपणे पीए छीए त्यारे जुदा जुदा आपणा शरीरमां रोग थाय छे અને આપણે બીમાર પડીએ છીએ, કેમ કે તળાવનું પાણી આપણે પીવા યોગ્ય નથી। તો આ ઉપરના ચિત્રોને આધારે આપણે ત્રણ પ્રશ્નો જોયા। હવે જે નીચે બે પ્રશ્નો આપેલા છે કે નીચે દિયે હુએ મુદ્દો કે આધાર પર વિજ્ઞાન વરદાન યા અભિસા ઇસ વિષય કે પક્ષ એક પક્ષ પર અપને વિચાર કારણ સહિત પ્રસ્તુત કીજીએ। આ વિદ્યાર્થીઓ માટેનો પ્રશ્ન છે કે નીચે આપેલા મુદ્દાના આધારે વિજ્ઞાન આપણા માટે વરદાન છે કે અભિશાપ। કોઈ પણ વસ્તુ હોય છે એના બે બે પાસા હોય છે, નેગેટિવ અને પોઝિટિવ, એટલે કે સારું પણ હોય છે અને ખરાબ પણ હોય છે। મોબાઈલ કે મોબાઈલની સુવિધા થતાં આપણને કોઈ પણ વ્યક્તિ સાથે વાતચીત કરવી તરત, આપણું કોઈ પણ કામ તાત્કાલિક થઈ જાય છે। જ્યારે મોબાઈલની સુવિધા નથી ત્યારે ચિઠ્ઠી લખીએ, ચિઠ્ઠી ત્રણ ચાર દિવસે પહોંચે, ચિઠ્ઠીનો ત્રણ ચાર દિવસે જવાબ આવે ત્યારે આપણે આપણું એ કામ થતું હતું, જ્યારે અત્યારે તાત્કાલિક એક મિનિટની અંદર આપણું કામ થઈ જાય છે તો એ આપણા માટે સારી સુવિધા છે। પણ મોબાઈલ બીજી રીતે પણ એનો ખરાબ યુઝ પણ થાય છે, એનાથી આંખો પણ બગડે છે, બીજું છોકરાઓ એનો ખરાબ રીતે યુઝ પણ કરે છે તો એ આપણા માટે ખરાબ પણ છે। એટલે કોઈ પણ વસ્તુ હોય એના બે પાસા હોય છે, સારા અને ખરાબ। એવી રીતે વિજ્ઞાન એ વરદાન પણ છે અને અભિશાપ પણ છે, એના બે પાસા છે। તો એના નીચે મુદ્દા આપેલા છે કે પ્રદૂષણની દ્રષ્ટિ, બિજલી, અંતરિક્ષની ખોજ, ડૉક્ટરની સુવિધા, દૂરભાષ, કમ્પ્યુટર, પરમાણુ બોમ્બ, પરમાણુ બોમ્બ સારા પણ છે અને ખોટા પણ છે, પિસ્તોલ એનો પણ ઉપયોગ સારી પણ રીતે થાય છે અને ખોટી પણ રીતે થાય છે, યાતાયાત, ગ્લોબલ વોર્મિંગ। તો વિજ્ઞાનના પણ બે પાસા છે, શું એ આપણા માટે વરદાન અને અભિશાપ બંને રીતે છે, એ તમારે વિદ્યાર્થીઓએ આ પ્રશ્નનો જવાબ પોતાની રીતે ઘરેથી લખવાનો છે। બીજો પ્રશ્ન છે એના પછી, કોણ શક્તિશાળી હૈ કલમ યા તલવાર, અપને વિચાર કારણ સહિત બતાવી। કલમ, કલમ મતલબ કે બોલ પેન અને તલવાર મતલબ કે હાથનું સાધન, બંનેમાંથી કોણ શક્તિશાળી છે? મારી દ્રષ્ટિથી કહીએ તો કલમ શક્તિશાળી છે, તલવાર માત્ર કોઈને મારવા, કાટવા કે લડવા માટે જ ઉપયોગ થાય છે, જ્યારે કલમ દ્વારા આપણે આપણા વિચારો રજૂ કરી શકીએ છીએ, આપણા વિચારો બીજાના સુધી પહોંચાડી શકીએ છીએ, આપણા મનની વાત વ્યક્ત કરી શકીએ છીએ, બીજાને કંઈ શીખવાડવું હોય તો કલમ દ્વારા શીખવી શકીએ છીએ। એટલે કલમ કહેવાય ને કે તલવાર કરતાં કલમ એ બહુ શક્તિશાળી છે। પણ આ બંને પ્રશ્નોના જવાબ વિદ્યાર્થી મિત્રોએ ઘરેથી જ પોતાની રીતે પોતાની નોટબુકમાં લખવાના છે। હવે દી ગઈ સામગ્રી પઢીએ ઓર ઉસકે આધાર પર પ્રશ્નો કે ઉત્તર દીજીએ। આ ટોપિક આપણે આવતીકાલે બીજા વિડીયોની અંદર આપણે આ ટોપિક જોઈશું, અત્યારે તમારે આ બંને પ્રશ્નો ઘરેથી લખી દેવાના છે। તો આપણો આ વિડીયો આપણે આજે અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ। જય હિન્દ, જય ભારત।